हेलो वेलकम गाइस। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माई स्कूल का जो न्यू वर्जन रिलीज हुआ है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर देखेंगे उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और फिर देखेंगे कि उसमें कैसे हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं या फिर जो पहले से डाटाबेस बना हुआ है उसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने क्रोम ब्राउजर में, या फिर आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, और उसमें सर्च करते हैं हम लोग माई स्कूल। जैसे ही माई स्कूल सर्च करेंगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट में www.mysql.com सबसे पहले से होगा। चलिए आ जाते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही इसके वेबसाइट पे आएंगे इस तरह से आपको विंडो शो होगा। इसमें से देखिए हमको डाउनलोड मेनू शो हो रहा है। बाय डिफॉल्ट ये डाउनलोड मेनू सेलेक्ट होगा, या फिर नहीं है तो आप डाउनलोड मेनू पे क्लिक कर लेंगे। चलिए हम भी कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद इसको स्क्रॉल करके हमको सबसे नीचे आ जाना है, क्योंकि हम लोग कम्युनिटी वर्जन अभी डाउनलोड करेंगे। तो आ जाते हैं अपने सबसे नीचे में, और यहाँ पे देखिए MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे हैं इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम डाउनलोड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम यहाँ अलग अलग भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एक साथ भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आप तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई ड्राइवर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। हम अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेलेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट। तो अब यहाँ पे दो वर्जन मेरा शो हो रहा है कि इसमें से हम कौन सा डाउनलोड करें। तो जो नया वर्जन रिलीज हुआ है 8.0.30 वो यहाँ पे शो हो रहा है मेरा। इसमें से हम क्या करेंगे कि नीचे वाले को भी डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला का MB अभी कम है, इसका साइज कम है। तो अगर साइज अभी कम है तो जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम ये ऑटोमेटिक फिर से उतना फाइल डाउनलोड करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं पहले ही पूरा डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन इन करने का हमको ज़रूरत नहीं है, तो नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, तो अप्रॉक्स में 500 MB के करीब है, जिसको डाउनलोड कर लीजिए। हम पहले ही डाउनलोड कर लिए थे तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में और देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ये हमारा डाउनलोड फोल्डर, तो आ जाते हैं इसमें, और ये देखिए मेरा डाउनलोडेड फाइल। तो डबल क्लिक करके इसको रन कर लेते हैं, और जो भी परमिशन यहाँ पे मांगेगा हम उसको अलाउ कर देंगे। सेटअप फाइल रन होने के बाद तो इस तरह से आपका विंडो ओपन हो जाएगा। तो इसमें से हमको अगर सर्वर इंस्टॉल करना है तो सर्वर को सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर क्लाइंट आपको इंस्टॉल करना है तो क्लाइंट को बस सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, या फिर अगर पूरा इंस्टॉल करना है तो फुल पे सिलेक्ट कीजिए, या फिर कस्टम आप चाहते हैं कि कोई आप इंस्टॉल करना है तो कस्टम पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ से MySQL सर्वर या फिर वर्कबेंच को सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पूरा MySQL को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो फुल सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट यहाँ पे यस कर देंगे। देन यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे हम सारा को, जो एक एक करके मेरा रन हो जाए। चलिए एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक कि मेरा ये एग्जीक्यूशन कम्प्लीट नहीं हो जाता। सो अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। इसके बाद अब यहाँ पे हमको कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है MySQL सर्वर का, उसके बाद राउटर का भी, और फिर जो भी है यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अगर आप चाहे तो पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं, या फिर MySQL का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 3306 है, तो रहने देते हैं हम इसको। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं हम लोग, बाय डिफ़ॉल्ट जो रहने देते हैं। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देंगे, तो अपना पासवर्ड आप फिल कर दीजिए, जो भी आप MySQL का पासवर्ड रखना चाहते हैं। जब भी आप MySQL ओपन कीजिएगा तो इस पासवर्ड को आपको फिल करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देते हैं। आप कुछ भी स्पेशल करेक्टर डिजिट और स्ट्रिंग वर्ड में कुछ भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे रख दिए, देन इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको रहने देंगे, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया अब उसको अप्लाई करने का बारी आ गया। तो अब एग्जीक्यूट करके हम इसको अप्लाई कर देते हैं।
तो वेट कर लेते हैं जब तक ये मेरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो गया तो अब हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं और देखिए मेरा फर्स्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट करके सेकंड वाला को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको रहने देंगे और फिर से फिनिश पे हम क्लिक कर देंगे। सेकेंड भी हो गया तो अब हम थर्ड वाले को कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर से हम लोग और आ जाएंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन विंडो में। तो अब यहाँ पे हमको वो पासवर्ड फिल करना है जो पासवर्ड हम यहाँ पे कुछ देर पहले फिल किए थे, तो सेम पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और चेक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए ग्रीन बत्ती जल गया, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और जो भी कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो अब उसको अप्लाई करना है हम लोग को। तो अप्लाई करने के लिए एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन मेरा अप्लाई हो गया तो फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन मेरा अप्लाई हो गया, तो अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिनिश पे क्लिक कर देते हैं तो अभी मेरा पावर सेल और वर्क बेंच ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पावर सेल जो था वो ओपन हो गया है, ये रहा पावर सेल। अब देखिए पीछे वर्क बेंच भी मेरा ओपन हो गया है। तो वर्क बेंच क्या है उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब अगर नहीं जानते हैं तो वो जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि MySQL क्लाइंट सर्वर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम कौन कौन से डाटाबेस बना हुआ है। ये रहा मेरा MySQL वर्क बेंच और ये हमारा सेल, उसके बाद ये रहा क्लाइंट सर्वर। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और पासवर्ड जो आप इंटर किए थे इंस्टॉल करते समय उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए और इंटर प्रेस कीजिए, मेरा लॉगिन हो जाएगा। तो हो गया लॉगिन। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से डाटाबेस बनाए हुए हैं। चलिए सो डाटाबेस कमांड से हम लोग डाटाबेस का देख लेते हैं कौन कौन सा पहले से बना हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डाटाबेस बना हुआ है। अब इसमें कैसे डाटाबेस क्रिएट करते हैं फिर कैसे मैनेज करते हैं हम उस पर वीडियो बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको भी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमको कमेंट